गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, वो भी ट्रिक से पढ़ेंगे, और बोर्ड एग्जाम में किस तरह से लिखा जाता है, वो शैली क्या होती है जिसके लिखने पर पूरा नंबर मिलता है, ये चीज़ें मैं इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल डिटेल्स में समझेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। सबसे पहले आपको जिसका जीवन परिचय लिखना है बोर्ड एग्जाम में, इस तरह से उनका नाम लिख देना है ऊपर ब्लैक स्केच से। इसके बाद यहाँ पर जीवन परिचय डाल देना है। डालने के बाद आपको करना क्या है, देखो यहाँ से स्टार्ट कर देना है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। अब देखो यहाँ पे जो सन है इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में इसे हाईलाइटेड करने के लिए ब्लैक पेन से लिखना है। हुआ था, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ठीक है, इनके पिताजी का नाम किस तरह से लिखना है, ब्लैक पेन से, तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। इनके माता जी का नाम मुन्नी देवी था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के बाद जयशंकर प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। जब ये छोटे थे तभी इनके पिताजी की मृत्यु होगी और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो घर पर हुई थी। घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का गहन अध्ययन किया। इनका बचपन तो सुख से बीता, किंतु बाद में इनको अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक है, इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था। अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर सन 1937 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, बिल्कुल बहुत कम अवस्था में ही ये स्वर्ग सिधार गए थे। साहित्य में इनकी योगदान काफ़ी ज़्यादा योगदान थी। प्रसाद जी का साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रसाद जी अनेक विषयों, अनेक भाषाओं में रचना की है, जैसे नाटक, उपन्यास, काव्य आदि की रचना किए हैं। इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं, आपको एक इनकी कृतियाँ या रचना जरूर लिखना होता है। तो देखो तितली, लहर, चंद्रगुप्त, कामयानी, इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और कृतियां हैं। ठीक है, तो ये रहा आज की वीडियो में, बस इतना है। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।